हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, बच्चों हम आपको संस्कृत सुधा से पाठ नंबर 2 पढ़ा रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं और आप सब इस वीडियो में अच्छे से इस पाठ की हिंदी को समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम आपको करके दिखाएंगे जिससे आप अच्छी तरह से वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम फोकस करते हैं पेज नंबर 14 पर, पाठ नंबर 2 को शुरू करते हैं। ते माने वे, एते माने ए, ताह माने वे और एताह माने ये। यहाँ पर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है। आप यहाँ पे आइए, देखिए अब यहाँ पे हम इसकी हिंदी आपको बताएंगे। एते के, ये सब कौन है। एते छात्रा, ये सब छात्र हैं, ये पुल्लिंग है बच्चों। छात्रा किम कुर्वन्ति, पुल्लिंग मतलब मेल के लिए जो यूज होता है। छात्र क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। यहाँ पे ते माने वे हो गया, वे पढ़ते हैं। अब फिर देखिए एते के, ये कौन। ये एते कृषका, ये सब किसान हैं। एते बहुवचन होता है इसलिए ये सब भी हम लिख सकते हैं। एते कृषका, ये सब किसान हैं। कृषका किम कुर्वन्ति, किसान क्या करते हैं। ते कर्षन्ति, वे जोतते हैं। ठीक है, फिर आप इधर आइए। किम विवेका विमर्शा विवर्ता च खेलन्ति, क्या विवेक विमर्श और विवर्त खेलते हैं। नहीं, विवेक विमर्श विवर्ता च न खेलन्ति, विवेक विमर्श विवर्त नहीं खेलते। ठीक है, ते खादन्ति, वे खाते हैं। एताह का, ये सब कौन, ये स्त्रीलिंग आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, स्त्रीलिंग। एताह अध्यापिका, ये अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिका किम कुर्वन्ति, अध्यापिकाएं क्या करती हैं। ताह पाठयन्ति, वे पढ़ाती हैं। ठीक है, एताह माने ये सब, ताह माने वे सब, वे सब पढ़ाती हैं। फिर से देखिए एक बार आप, एताह का, ये सब कौन है। एताह अध्यापिका, ये सब अध्यापिका है। अध्यापिका किम कुर्वन्ति, अध्यापिका क्या करती हैं। ताह पाठयन्ति, वह पढ़ाती हैं। एताह का, ये सब कौन है। एताह अजाह, ये सब बकरी हैं। अजाह किम कुर्वन्ति, बकरी क्या करती हैं। ताह पिबन्ति, वे सब पीती हैं। आप देखिए पिक्चर में तीनों बकरी पानी पी रही हैं, तो इसलिए कहा ताह वे सब पीती हैं। यहाँ पे ये स्त्रीलिंग आया, बकरी स्त्रीलिंग होता है। किम, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। किम राधा सुधा चेतना च नृत्यन्ति, क्या, किम माने क्या होता है, क्या राधा सुधा च माने और होता है, तो यहाँ पे और आ जाएगा, और चेतना नाचती हैं। क्या राधा सुधा और चेतना नाचती हैं। नहीं राधा सुधा चेतना च न नृत्यन्ति, नहीं राधा सुधा और, यहाँ पे रहेगा च जो है ना, इसकी मीनिंग और होती है लेकिन वो यहाँ पे यूज होता है एक अक्षर एक शब्द पहले। और चेतना नहीं नाचती, ताह गायन्ति, वे सब गाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एते बालकाः किं कुर्वन्ति, ये सब बालक क्या करते हैं। बालकाः नृत्यन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च, बालकाः गायन्ति नृत्यन्ति च, बालक गाते हैं और नाचते हैं। ते गायन्ति नृत्यन्ति च, वे सब गाते और नाचते हैं। ये च और यहाँ पे आता है, च की मीनिंग और होता है, तो यहाँ बीच में हम यूज करेंगे हिंदी बनाने में। वे सब गाते और नाचते हैं। एताह बालिका किम कुर्वन्ति, ये सब लड़कियां क्या करती हैं। बालिकाः खादन्ति पिबन्ति च, बालिकाएं खाती और पीती हैं। ताह खादन्ति पिबन्ति च, वे सब खाती और पीती हैं। फिर यहाँ पे देखिए, एते बालकाः क्रीडन्ति, ये सब बालक खेलते हैं। एताह बालिकाः हसन्ति, ये सब लड़कियां हंसती हैं। बालिकाएं भी लिख सकते हैं, लड़कियां भी लिख सकते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ता हसन्ति, वे सब हंसती हैं।
लड़कियों के लिए देखिए ता आ गया अभी सबके लिए, और बॉयज के लिए ते आ गया। ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे सभी बच्चे। ये आपका शब्दार्थ है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। इसमें ज्यादातर जो है वो नेम है, ये तो याद करने की चीज आपको पता है, बस एक बार देखना है। बाकी जो इसमें टिपिकल वर्ड हैं, जो आपको लगता है कि डिफरेंट हैं, उन शब्द को आप अपनी कॉपी पे उतार कर और उसकी मीनिंग लिख लेंगे। और जैसे विमर्श है, विवेक है, विवर्थ है, ये सब नाम है, इन्हें उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किच का उतार लेंगे, के उतार लेंगे, ते उतार, जो मतलब डिफरेंट मीनिंग है जिनकी, उन्हें आप कॉपी पर उतार कर उसकी मीनिंग लिख लेंगे। नेम्स वाली मीनिंग जो दी गई है उन्हें उतारने की जरूरत नहीं है, जैसे चेतना, सुधा, विवर्स, विमर्थ, विवेक, ये सब है, ठीक है। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज पर। सभी बच्चे एक्सरसाइज देखिए। आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्होंने यहाँ पे हमें पद दिया ते और ता, ये दोनों एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, दोनों बहुवचन के हैं, हमें यहाँ पर उनका प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण में इन्होंने दिखाया, अध्यापका, अध्यापका पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो उसकी जगह पे इन दोनों में से कौन सही बैठेगा, ते बैठेगा, क्योंकि अध्यापका मेल है, तो मेल में पुल्लिंग में हम ते यूज करते हैं। अब आइए इसी तरह से छात्रा किम कुर्वन्ति। छात्रा चूंकि स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है, तो इसमें आप इन दोनों में से कोई सभी डालेंगे सही जाएगा, फिलहाल हम ते ही डाल के चलते हैं। आइए बालका किम कुर्वन्ति, बालका भी पुल्लिंग है, ते है ना। अजाह किम कुर्वन्ति, अजाह बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ता। बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए इनकी जगह क्या सर्वनाम आएगा, ता आएगा। अश्वा पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर ते आ जाएगा, अश्वा माने घोड़े, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। और अब सेकंड क्वेश्चन पर, हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बच्चों। इसमें हमें शुद्ध करके लिखना है, ये आपको सेंटेंस जो दिए गए हैं ये अशुद्ध है, इनको हमें शुद्ध, अशुद्ध का मतलब गलत है, इसमें सही क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, धातु का प्रयोग नहीं हुआ है या सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, तो हमें उसे सही करना है। जैसे एताह बालकाह, बालकाह के साथ एताह नहीं आता है, क्या आएगा, एते आएगा, तो ऐसे शुद्ध किया इन्होंने, हमें भी उचित सर्वनाम लगाकर इसे शुद्ध करना है। देखिए एते बालिका, बालिका के साथ क्या आएगा बच्चों, एताह आएगा, है ना, तो हम एताह बालिकाह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि एताह जो है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है। एताह के साथ एताह नहीं आएगा, एते के पुल्लिंग होता है ना, एते का, यहाँ पे हम एताह लगाएंगे। आपको बाद वाले शब्द से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा सर्वनाम आना है, ठीक है। ते शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, तो हम ते की जगह क्या लगाएंगे, ता, ठीक है, ये आप सब समझ रहे होंगे, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए शिक्षिका, ठीक है। अब आता है एता शिक्षिका, तो यहाँ पे हम एते कर देंगे, क्योंकि शिक्षिका पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। अब आप आइए थर्ड प्रश्न पे, एक्सरसाइज के थर्ड प्रश्न पर हम आ गए। थर्ड प्रश्न पे हमें क्या करना है, देखिए इन्होंने ऑप्शन में हमें यहाँ पर एक धातु का मूल रूप दे रखा है, और इसको हमें चेंज कर इसके साथ लगाने हैं। जैसे बालिका किम कुर्वन्ति प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर में हमें इसी क्रिया का प्रयोग करना है, अर्थात इसी धातु का प्रयोग करना है, तो हम प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे देखेंगे आप सब, ठीक है। देखिए उदाहरण में आप देख रहे हैं छात्रा किम कुर्वन्ति, तो इन्होंने पठ दिया था तो छात्रा पठन्ति बना दिया, ठीक है। अब इसमें बालिका किम कुर्वन्त, तो हम लिख देंगे बालिका लिखन्ति, पहले बालिका लिखा जाएगा फिर
यहाँ पे लिखंती आ जाएगा, लिखंती, ठीक है। बालकाः किं कुर्वन्ति, क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, ठीक है। विवेक विमर्श विवर्ता च किं कुर्वन्ति, तीनों का नाम लिख के आप और इसको हटा देंगे, ये इतना हट जाएगा, इसको हटाकर आप यहाँ पे नमन्ति कर देंगे, चूंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको हमने बता दिया कि क्या करना है। ये तीनों नाम आ जाएंगे च तक हम नाम ये लिख लेंगे और उसके बाद हम नमन्ति लिख देंगे, ठीक है। राधा सुधा चेतना च किं कुर्वन्ति, इसमें भी ये च तक हम ले लेंगे, च तक तो हम यहाँ लिखेंगे और ये जो है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे पिबंती, पा माने पीना, पिबंती आ जाएगा, क्लियर। कुक्कुरा किं कुर्वन्ति, तो खाद है, खादंती आ जाएगा, तो कुक्कुरा खादंती, ठीक है। ये आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों नाम, ये इतना आपको यहाँ जोड़ना है, ये इतना आपको यहाँ जोड़ना है, चूंकि स्पेस कम है इसलिए हमने नहीं लिखा, आप इसको यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख लेंगे या आप कॉपी में लिख लेंगे या आप एरो बना के नीचे कहीं लिख लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें मैच करना है पिक्चर से, यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन पिक्चर से हमें इस सेंटेंस को मैच करना है। आप देखिए, एते बालकाः गायन्ति, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन गायकी कौन कर रहे हैं, तो सबसे नीचे ये है, हमें ये लग रहे हैं कि ये गायन कर रहे हैं, तो हम यहाँ को का नंबर डालेंगे, क्या नंबर डालेंगे, का। एता बालिका नृत्यन्ति, ये लड़कियां नाच रही हैं, यहाँ पे हम डालेंगे ख, ठीक है। एते छात्राः क्रीडन्ति, ये बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे ग, ठीक है। फिर ते खादन्ति, ये लोग आप देख रहे हैं खा रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे घ, ठीक है। ते सॉरी एता बालिका हसन्ति, यहाँ पे घ आएगा बच्चों, और ये हमने गलत पढ़ लिया था, ये है अंगा, ते खादन्ति, ये देखिए ते खादन्ति, वे सब खाते हैं। ताह लिखन्ति, वे सब लिखती हैं, यहाँ पे आएगा आपका च, क्लियर। ये आपका मैचिंग नंबर हो गया, च अंग घ ग ख क, ठीक है। अब आप आ जाइए, ये उचित पद को हमें उचित स्तंभ में लिखना है, हमें क्या करना है बच्चों, ये जो उचित, ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें से हमें वर्ड्स को सेलेक्ट करके ये इन दोनों में लिखना है। ये कॉलम कौन से हैं, स्तंभ कौन से हैं, पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के हैं, बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा भी कि जिसमें आ का डंडा और विसर्ग होता है वो सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम पुल्लिंग को देखेंगे, पुल्लिंग में आइए, विमर्श क्या है, पुल्लिंग है, बालकाः पुल्लिंग है ना, क्यों, और प्रकर्ष पुल्लिंग है, विवर्ता पुल्लिंग है, लड़के का नाम है ना, क्रिस्का पुल्लिंग है, ये फर्स्ट कॉलम में आने हैं। इसमें तीन तो नाम ही हो गए और क्रिस्का और बालकाः बहुवचन है, पुल्लिंग का बालक रूप का बालकाः होता है, कृषक रूप का क्रिस्का होता है, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर देंगे, बालकाः विमर्श, फिर आता है प्रकर्ष, है ना, फिर आपका आया विवर्त, फिर आया कृष्का, ये हो गया आपका। अब स्त्रीलिंग में आएगा आपका ताह, एताह, जिस पे नंबर नहीं पड़ा हुआ है वो सब स्त्रीलिंग है, बालिका और राधा सुधा, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पाठ नंबर 2 हमने
पूरा करा दिया है? नहीं, अभी पीछे और है? नहीं, यस, ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद है वीडियो देखकर सभी बच्चे अच्छे से पूरी एक्सरसाइज अपने बुक में कंप्लीट करके, और सभी बच्चे इसकी हिंदी जो हमने आपको पढ़ाई है, अगर आपको एक बार में हिंदी नहीं समझ में आएगी, दोबारा वीडियो सुनना, 3 बार वीडियो सुनना, लेकिन बार बार सुन के इसकी हिंदी आप अच्छे से पक्की कर लेंगे। और आप ये शब्दार्थ भी अपनी एक पतली सी कॉपी बनाकर उस पर जो टिपिकल वर्ड हैं, जो नेम है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, उनको उतार के उनके मीनिंग लिख लेंगे। तो बच्चों, आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आने वाले समय में अब जल्द ही आपका यूटी आएगा, यूनिट टेस्ट आएगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेल, और ऑल द बेस्ट, एंड डू स्टडी वेल एट होम।